गोवर्धन की राधा कुंड परिक्रमा मार्ग कुसुम सरोवर स्थित कपिलेश्वर आश्रम पर शोरसी भंडारा एवं आश्रम महंताई चादर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विजयपुरी महाराज के गोलोकवास के 16 दिन बाद शोरसी भंडारा कर उनके शिष्य शिवानंद पुरी महाराज को सभी संत एवं भक्तों ने चादर उड़ाकर आश्रम का नवनियुक्त महंत घोषित कर आश्रम की सभी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। स्वामी जगदीश पुरी महाराज ने कहा, शिवानंद पुरी महाराज से हमें उम्मीद है कि आश्रम को अच्छी तरह चलाएंगे और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आश्रम की सभी जिम्मेदारियां बेखूबी अच्छी तरह से निभाएंगे और स्वामी विजयपुरी महाराज का नया प्रख्यात करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी रुद्रदेवानंद महाराज ने कहा कि स्वामी विजयपुरी बहुत ही अच्छे संत थे। उनके शिष्य शिवानंद पुरी को आश्रम के महंतताई देकर हम सब संतों ने अपना आशीर्वाद रूप में इस चादर को उड़ाकर समस्त जिम्मेदारी देते हुए यह कामना करते हैं कि हम सभी संतों के विश्वास पर यह पूज्य अपने गुरुजी का नाम रोशन करेंगे और आश्रम को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महामंडलेश्वर रुद्रदेवानंद। देवन जी, यहाँ पे जो आज प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ? आज यहाँ जो प्रोग्राम रहा है, यहाँ आश्रम की चद्दर जो है, जिस प्रकार से कोई भी रस्म होती है, पगड़ी रस्म जिस प्रकार से आप लोग बोलते हैं, आज उसी प्रकार की जो है, यहाँ जो है इस आश्रम जो कपिलेश्वर मंदिर है, इसकी जो है गद्दी पे जो है आज ये शिवानंद जी महाराज को, जो शिवानंद पुरी जो है, इनको स्थापित किया गया है। इनके जो गुरु जी थे विजयपुरी जी, वो इस आश्रम के सर्वे सर्वा थे, आज उनकी जगह पे आज इनको स्थापित किया गया, क्योंकि उनका शरीर जो है 7 तारीख को जो है उन्होंने शरीर जो है गोलोकवास हो गया और गऊ भूमि विलीन हो गए, आज उनके स्थान पे इनको स्थापित किया गया और आज इनको उनके जो सारे कारभार हैं, उन सारे कारभारों से जो है आज इनको नवाज दिया गया है। आज वो सारे जो है इनको उसकी उपलब्धि दे दी गई है। उसी उपलक्ष्य में जो है आज जो है हमारे यहाँ ऐसी एक मर्यादा होती है कि यहाँ एक षोडशी भंडारा माना जाता है। जिस प्रकार से आपके यहाँ 12 और 13वीं होती है, उसी प्रकार से संत समाज में, साधु समाज में जो है षोडशी का विधान है। तो उसमें 16 साधु बिठाए जाते हैं और 16 साधुओं को, जो संस्कारी साधु होते हैं, उनको बिठाया जाता है, संतों को बिठाया जाता है और उन संतों का जो है 16 प्रकार के सामान उनको दे के, 16 इंद्रियों का जो उनको समन करके वो दिया जाता है और उनसे उनको जो भी भेंट होती है वो भी नौछावर की जाती है और उस वो आज प्रक्रिया यहाँ पर हुई। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आज इनको चद्दर दी गई। यहाँ जो है गणमान व्यक्ति जो है यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी महाराज के क्षेत्र के उपस्थित रहे। आज वृंदावन से सीधा वृंदावन से हम रुद्रदेवानंद जी महाराज उपस्थित रहे और हरिद्वार से जो है हमारे अखाड़े के जो है देवानंद जी महाराज उपस्थित रहे हैं और आपके जो मथुरा से जो है हमारे जगदीशपुरी जी महाराज उपस्थित रहे, जयरामपुरी जी महाराज उपस्थित रहे, अनेक महात्मा जो है और हमारे परमानंद पूर्णानंद जी महाराज जो है वो उपस्थित रहे और महाराज श्री काफ़ी महात्मा जो यहाँ पर जो है संत महापुरुष मंडलेश्वर महंत सब उपस्थित हुए और सब ने आके अपना आशीर्वाद प्रदान किया और आगे के लिए इनको आशक्त किया है और आगे के लिए इनको आशीर्वाद दिया है कि आप अच्छे ढंग से इस आश्रम को अग्रसर करें। ऐसा आज यहाँ प्रोग्राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं पलवल से आया हूँ अपने राधे राधे सेवा संगठन मंडल के साथ। इस कपिलेश्वर महादेव आश्रम से हम लोग पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं और हमारे जो गुरुजी विजयपुरी जी महाराज, जिनका 7 तारीख को देहांत हो गया, उनकी रस्म पगड़ी में हम आए हैं और हमने महाराज श्री शिवानंद जी महाराज को आज हमने उनकी गद्दी पे स्थापित किया है और हम जिस तरह से पिछले विजयपुरी जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, उसके बाद हम इनसे भी जुड़े रहेंगे और इस आश्रम को संकलित होते हैं, इस आश्रम को आगे बढ़ाने में और इसकी कार्य व्यवस्था को देखने में। हम अब आज से जो हमारे महाराज हैं शिवानंद जी महाराज, हम उनकी पूरी सेवा में तत्पर रहेंगे।